राम राम जी, आप सबका स्वागत है मनोहर की रसोई हमारे फिर से ले। राम राम जी, आप सबों का स्वागत है मनोहर की रसोई यूट्यूब चैनल पर। हो जाएगा तो बता। और जिसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल का 10,000 सब्सक्राइबर आपके सहयोग से पूरा हो गया है, और जिसके लिए हम सही में तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वैसे का थारे, इसी तरह से बस अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है, बहुत खास है। लेकिन पिछले वीडियो में आपने ही पूछा था कि आखिर मनोहर जी, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं। तो हम हमको बता देते हैं कि अगर आपके दिल में प्यार और हमदर्दी हो ना, तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं, कोई भी चीज़। जी, हम बात कर रहे हैं अपनी पत्नी की। बहुत काम करती है, बहुत खटती है। तो जब भी कभी वो किचन में काम करती है या हमको दिखाई देता है बहुत काम है, तो थोड़ा बहुत मदद करने हम भी चले जाते हैं। और अगर आज हम यहाँ हैं तो उसी की बदौलत से हैं, उसी से सीखे हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना सीखते हैं चिकन दमुहा। तो सबसे पहले चिकन दमुहा बनाने के लिए हमारे पास है चिकन मसाला, ये गरम मसाला, कुछ लाल मिर्च, लगभग 8 से 10 हरी मिर्च, फिर हम ले लेंगे 4 प्याज, 3 टमाटर और ये 1 kg चिकन। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले प्याज लेंगे, थोड़ा सा लकड़ी बचल है ओकरे में चावल चढ़ा दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हम मसालों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, इसके बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि कम मसालों के प्रयोग से हमारा पेट और मन दोनों स्वस्थ रहता है। और जब मन स्वस्थ रहता है तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो फिर इससे हमारे अच्छे गुण और चरित्र का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि कम मसाला जो है कि हमारे अच्छे गुण के निर्माण में बहुत सहायक होता है। प्याज को थोड़ा और बारीक काटें, इससे इसको चिकन में भरने में बहुत सुविधा होगी। हलवा इधर ही चढ़ा दे रहे हैं, तब तक इधर ही सिज जाएगा। थोड़ा रोक दे मनु। बंद कह रहे साला, जब से शुरू किए हैं तब से बचर 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 ढेर ढकोसने का हड़बड़ी है। तो अपने लिए बना रहे हैं। फिर बस।
हमको ढिढ़ाने छोड़ के बाहर जाके कुछ मेहनत वाला काम करते ना तो लोग ज्यादा मर्द समझता आपको। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है और अब हम इसे चिकन में डालेंगे और बनाएंगे चिकन दुमुहा।